बाबा साहब ने कभी जाति का संगठन नहीं बनाया, बाबा साहब ने सारी जातियां खत्म की, फिर ये जितने भी संगठन हैं जाति के इस आधार पर चल रहे हैं, इनका क्या होने वाला है? बाबा साहब अंबेडकर जितनी जानकारी रखते थे, जो किताबें पढ़ते थे, उससे अगर हम ये कहें कि हजार गुना ज़्यादा वो उनकी किताबों के बीच का जो होता है, जो सफ़ेद स्याही से लिखा हुआ था, उसको पढ़ लेते थे। यानी वो किताब के काले अक्षर के साथ साथ जो सफ़ेद अक्षरों से लिखा होता है किताब के पन्ने पे, वो भी पढ़ लेते थे, किताब के आर पार किताब के लेखक के मन में झांक लेते थे। ये उनकी खास बात थी। और एक अच्छे रीडर की यही पहचान होती है कि वो किताब में जो अक्षर है उनको पढ़े, साथ ही साथ वो उसके राइटर के ब्रेन को भी पढ़े कि क्या कहता है क्या नहीं कहता। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जितना जाति से नुकसान देश के लिए देखा और झेला और देश की बर्बादी में जाति को समझा, इसलिए उन्होंने पूरे जीवन में कोई जाति का संगठन नहीं बनाया। कोई भी महार संगठन जाति का संगठन नहीं मिलेगा। जो जाति जबरदस्ती उनको पकड़ाई गई, यानी जो जाति जबरदस्ती उनको कही गई कि वो महार है, क्योंकि अगर उनको बहुत आसान काम करना होता या ना समझ वाला काम करना होता या मूर्ख जैसा काम करना होता या अल्पज्ञानी जैसा काम करना होता, तो वो सबसे पहले महारों को इकट्ठा करके महारों की एक जाति का संगठन बनाते। मगर वो जानते थे कि जो चीज़ हमारी नहीं है, जो थोपी गई है, अगर उसका कुछ बनाते हैं तो वो हमें ही नुकसान देगी। ये ठीक ऐसे है जैसे कोई चाकू हमें मारता है और फिर हम चाकू को भाले में बांध दें और फिर हम उससे मारें तो उसका वार बड़ा हो जाता है। तो जाति हमें पहले से ही नुकसान देती है। अगर हम जाति का संगठन बना देंगे तो ये ठीक ऐसे होगा जैसे चाकू को किसी लाठी से बांध कर भाला बना दिया और उसकी मारक क्षमता बढ़ा दी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति का संगठन नहीं बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जातियों को ख़त्म कर कर उनके समूह को इकट्ठा किया और उसको एक नाम दिया कि अब इन सारी जातियों को मैं ख़त्म कर कर एक शेड्यूल कास्ट नाम देता हूँ, एक शेड्यूल ट्राइब देता हूँ और एक ओबीसी देता हूँ, क्योंकि वही उस समय उनके बस में था। अगर थोड़ा और उनके बस में होता तो वो इसको ख़त्म कर कर जो प्रबुद्ध भारत वाली कल्पना है उसको ही लागू कर देते, मगर उस समय हालात ऐसे नहीं थे। अकेले बाबा साहब थे, संघ नहीं था उनके पास में। जैसे बुद्ध के पास में उनका खुद का बनाया हुआ संघ था, बाबा साहब के पास में समय नहीं था संघ बनाने का। कोशिश तो उन्होंने की, तो उन्होंने तीन बड़े बड़े टुकड़ों में जातियां ख़त्म कर दी और हमेशा के लिए कह दिया कि ये लोग अब शेड्यूल कास्ट हैं और ये लोग अदर बैकवर्ड क्लास हैं और ये लोग शेड्यूल ट्राइब हैं। उसी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। मगर जिन लोगों को जाति से फ़ायदा होता है, जो लोग जाति का 400-500 साल से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो जानते हैं कि अगर जातियां बाबा साहब ने इकट्ठी की हैं और ये जातियां इकट्ठी होकर बाद में SC ST OBC समण समाज में बदल गईं, प्रबुद्ध समाज में बदल गईं, मूल निवासी समाज में बदल गईं, बहुजन समाज में बदल गईं, एबोरिजिनी में बदल गईं या इंडिजिनियस में बदल गईं, तो हम ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि फिर दो ही तरह के लोग रह जाएंगे जैसे बुद्ध के समय थे, एक समण और एक वमण। तो समण की संख्या बहुत ज़्यादा भारी है, इसलिए समण जो फैसला करेंगे वो वमण को मानना पड़ेगा। इसलिए जातियों की इस पिटारी को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने SC ST और OBC के नाम से बांधा था, सारे लोगों ने जिनको जाति से फ़ायदा होता था वमण समाज के, उन्होंने खोलने के लिए सारे हथकंडे अपनाए और वो खोलने में कामयाब हो गए। उन्होंने सबसे पहले तो SC A SC B SC C स्टार्ट किया, फिर OBC के अंदर उन्होंने क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को बांटा। अब सुनने में आ रहा है कि OBC के अंदर OBC A B C भी स्टार्ट होने वाला है, यानी महा OBC, छोटा OBC, बड़ा OBC ऐसा भी होने वाला है। तो ये चारों तरफ SC कैटेगरी ABC का खेल खेला जा रहा है और कुछ मूर्ख लोग हैं जो उस झांसे में आ जाते हैं, जिनको कुछ पद चाहिए या प्रतिष्ठा चाहिए या अपने बच्चों को कुछ पैसा उनको फ्री का लेना होता है, तो वो झांसे में आ जाते हैं। तो वो नाम तो बाबा साहब अम्बेडकर का लेते हैं, मगर बेसिकली वो बाबा साहब की पीठ में खंजर घोंपते हैं, क्योंकि जिस जाति को बाबा साहब ने ख़त्म कर दिया उसी जाति का संगठन बनाते हैं और गर्व से कहते हैं कि हमें जाति के संगठन पर गर्व है। और इस गर्व में वो इतने चूर हो जाते हैं कि वो ये भी नहीं देख पाते कि जिस व्यक्ति ने जातियां ख़त्म की थीं उसी व्यक्ति का फोटो लगाकर, उसी व्यक्ति का झंडा उठाकर, उसी की जय जयकार कर, उसी की जय भीम कर, उसी का 14 अप्रैल मनाकर, उसी का 6 दिसंबर में अफसोस जाहिर कर, उसके साथ में अपनी पोस्ट और अपना प्रचार डालकर उसी आइडियोलॉजी को वो तोड़ते हैं और मरोड़ते हैं।
ऐसे मूर्ख लोगों को सावधान रहना चाहिए जो जाति के संगठन बनाते हैं या जाति की बात करते हैं या जाति पर वोट मांगते हैं या जाति पे कैंडिडेट खत्म करते हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का जो नाम है वो तो ठीक है, उसमें सारी जातियां खत्म होकर शेड्यूल कास्ट बनती हैं या ओबीसी ठीक है, मगर इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ के समण समाज कहना चाहिए कि ये समण समाज है, तब सही मायने में आप जीत सकते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत सारे लोग लगातार लगातार धोखा दे रहे हैं, वो धोखेबाज लोग हैं, वो बाबा साहब के गद्दार हैं, वो बाबा साहब की रोज पीठ में छुरा घोंपते हैं जब वो जाति के संगठन में गर्व करते हैं और गर्व से कहते हैं कि मैं फलानी जाति का हूँ, मैं फलानी जाति का हूँ, मैं फलानी जाति का हूँ, और एक बार भी उनके मुँह से नहीं निकलता कि वो समण हैं, वो बहुजन हैं, वो मूल निवासी हैं, वो एबोरिजिनी हैं, वो इंडियन हैं, वो प्रबुद्ध हैं, वो भारतीय हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, एक बार फूटे से उनको नहीं निकलता, क्योंकि उनकी समझ ही बड़ी कम है। ऐसे बेवकूफ़ लोगों से, ऐसे नासमझ लोगों से, ऐसे बाबा साहब के गद्दार लोगों से, ऐसे समाज के गद्दार लोगों से दूर रहना चाहिए, उनकी पहचान करनी चाहिए। जाति का संगठन बनाने वाला जहरीला आदमी है, वो जहर होता है, इसलिए जाति के संगठन को ना बढ़ावा दें, ना उसमें जाएं, ना उसकी पोस्ट लें, ना उसको पैसा दें, बल्कि उसको लानत भेजें कि तू बाबा साहब का गद्दार है, तू बाबा साहब की आइडियोलॉजी के विरुद्ध में काम कर रहा है। अगर वो बाबा साहब का फोटो लगाए तो उसके कड़े शब्दों में निंदा करके वहाँ से फोटो को हटा लेना चाहिए, वो किसी और का फोटो लगाए, अपनी जात वाले किसी का लगा ले मगर बाबा साहब का ना लगाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बाबा साहब की आइडियोलॉजी को बचाना है तो सबसे अच्छा रास्ता यही है। धन्यवाद डॉक्टर।